नमस्कार दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रिव्यू के अंदर अपन ने पहले एक पार्ट कंप्लीट कर लिया है। जिन्होंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा वो पहले जाके फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर ले। आगे देखते हैं वर्ड काउंट सेंट लैंग्वेज कैसे काम करते हैं। दोस्तों मैंने यहां लिखा कंप्यूटर, देखो अभी तक मैंने स्पेस नहीं दिया है, COMPUTER मैंने कितने वर्ड लिख दिए, अब आपका आंसर आ रहा होगा 8 या किसी का आ रहा होगा 1। मैं बता दूं यहां पे अपन ने वर्ड 1 लिखा है। अच्छा सर, फिर ये क्या हुआ, इतना क्या लिखा है, ये क्या कहलाते हैं? देखो सी अकेला एक कैरेक्टर होता है, ओ अकेला एक कैरेक्टर होता है, एम एक अकेला कैरेक्टर होता है, PUTER ये सब एक एक कैरेक्टर हैं, कुल मिला के 8 कैरेक्टर हैं। कितने कैरेक्टर हैं दोस्तों? 8 कैरेक्टर हैं। और यहां पे अगर वर्ड की बात करें तो टोटल कितना वर्ड कहलाता है? 1। कैरेक्टर से मिलके क्या बनता है? वर्ड बनता है। वर्ड काउंटिंग देख ही लेते हैं। पेज अपने पास एक है, वर्ड एक है, स्पेस बिना कितना है? 8। विद स्पेस भी कितना है? 8। क्यों सर? क्योंकि अभी तक अपन ने स्पेस दिया ही नहीं, तो स्पेस ये गिनेगा भी नहीं। पैराग्राफ कब गिनता है? जब आप एंटर दबा देते हो तब नया पैराग्राफ ये काउंट कर लेता है। दोस्तों लाइन भी एक ही है। कैरेक्टर समझ में आ गया, वर्ड समझ में आ गया, कैरेक्टर और वर्ड वाला डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। पेज अपने पास एक है, टोटल पेज कितने हैं? 1। अपन कितने नंबर के पेज में? 1। टोटल वर्ड कितने हैं? 1। मैंने स्पेस दे दिया सर, अब 8 की जगह 9 हो गए क्या? बिल्कुल, विद स्पेस में आप देख सकते हो 9 हो गए, आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा सर मैं एंटर दबा दूं तो? एंटर दबा दिया, मैंने यहां लिखा राम। अच्छा कितने पैराग्राफ हो गए? 2 पैराग्राफ हो गए सर। लाइन कितने हो गई? 2। क्यों? क्योंकि एक लाइन ये और एक लाइन ये, एंटर दबाते पैराग्राफ काउंट कर लिया। अच्छा दोबारा और क्लियर करते हैं इस टॉपिक को। बराबर आर ए एन डी ब्रैकेट ऑन ऑफ, एंटर दबा दिया, कितने पैराग्राफ हो गए दोस्तों? 3 हो गए। 3 में कितनी लाइनें हो गई? तो आप लोगों को दिख रहा होगा 16, 4, 4, 8, 4, 3, 12 और 13 लाइन हो चुकी है। तो आप देख सकते हो 13 लाइनें, 3 पैराग्राफ, विद स्पेस इतने, बिना स्पेस इतने, टोटल वर्ड इतने और पेज इतने। सर पेज वाला और क्लियर कर दो एक बार, ये लो जी कितने पेज हो गए दोस्तों? 2 पेज हो गए। वर्ड काउंट कितने पेज हो गए? 2 पेज हो गए। तो यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। सर इंक्लूड टेक्स्ट बॉक्स, फुटर, एंड नोट, ये क्या है? फुट नोट्स, एंड नोट्स, ये क्या है? अब अगर आपने रेफरेंस के अंदर पहले हमसे अगर टॉपिक पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि फुट नोट्स क्या होता है और एंड नोट्स क्या होता है। जैसे फुट नोट्स क्या होता था, जब किसी को भी सिलेक्ट करके फुट नोट्स करते थे तो उसके बारे में नीचे लिखते थे। एक बार मैं आपको सिंपली दिखा देता हूँ, वर्ड काउंट में कितने वर्ड आ रहे हैं अभी, सॉरी सेलेक्ट करते हैं तो सेलेक्ट का ही दिखा रहा है 4 वर्ड विद स्पेस 5, तो इस अगर सेलेक्ट रहता है तो ऐसा दिखाता है। अच्छा अपन बात कर रहे थे इंक्लूड टेक्स्ट बॉक्स, फुटर, एंड नोट की, तो मैं एक बार फुट नोट्स बता देता हूँ, एंड नोट्स आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे दोस्तों। यहाँ पे विदाउट स्पेस 898 है और विद स्पेस 1080 है। क्या है? कैरेक्टर। बात आ रही है कैरेक्टर की। 185 वर्ड भी है दोस्तों, 185 वर्ड है। मैंने लिखा यो, यू को सेलेक्ट किया, यहां से क्लिक किया, फुट नोट कर दिया, यू यानी तुम्हारा, ये लो जी दोस्तों। अच्छा सर इसको काउंट किया या नहीं किया? बिल्कुल, रिव्यू में आते हैं और यहां से वर्ड काउंट करते हैं। सर यहां पे पहले 898 था, अब कितना हो गया? 906। अच्छा 98 से 99, 900, 1, 2, 3, 4, 5 और 1 ही है 6, ठीक है 6 काउंट हो गया। अच्छा सर अभी जैसे अगर हमने दिमाग लगा के इनको ऐसे डिलीट कर दिया, कितने को डिलीट किया? 3 और 2, 5 को डिलीट कर दिया, 3 और 2, 5 को डिलीट कर दिया दोस्तों। क्लिक करो, देखें 5 कम हो गए, अब 2 रह गए, 3 रह गए। तो यहां से इस प्रकार से आप हटा सकते हैं, जैसे इसको भी हटा दिया, अब अगर इस एक को हटा दिया, अब कितना एक्स्ट्रा रह गया होगा दोस्तों? 1 एक्स्ट्रा रह गया होगा, देखो ये रहा।
अच्छा अब सर ये एक किसका आ रहा है? अरे भाई लाइन को भी हटाना पड़ेगा, अगर लाइन को नहीं हटाते, अब देखो लाइन को ऐसे बैक स्पेस तो हट नहीं रही, पहले अपन ने विस्तार से पढ़ा था शो नोट्स फुल नोट्स एंड नोट्स, ठीक है, अब ये कैसे टिकी, ऊपर एक आ रहा होगा, इस एक को ये काउंट कर रहा है, लाइन को काउंट नहीं कर रहा दोस्तों, सॉरी एक को काउंट कर रहा है, जैसे इस एक को हटाते हैं लाइन ऑटोमेटिक हट जाती है, हट गई लाइन, अब आप देख सकते हो यहाँ पे 898 आ गया है वापिस, ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, अगर इसको इंक्लूड करते हैं तो ये टेक्स्ट बॉक्स में अगर लिखा हुआ होता है उसको भी काउंट करता है, फुल नोट एंड नोट में जो शब्द लिखे हुए हैं उसको भी काउंट कर लेता है, अगर आप इंक्लूड के ऊपर टिक रखते हो, और अगर आप इंक्लूड के ऊपर टिक नहीं रखते तो उसको काउंट नहीं करता दोस्तों। आगे देखते हैं सेट लैंग्वेज, सेट लैंग्वेज आपके बाय डिफॉल्ट इंग्लिश ही रहने देना है, इसको चेंज नहीं करना है, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट काम की चीज है वो मैं बता देता हूँ दोस्तों, जैसे आप यहाँ आके क्लिक करते हो और यहाँ लिखते हो आप जयपुर राजस्थान इंडिया गोवा, ठीक है, गुजरात, तो देखो ये स्पेलिंग एरर जहां हो रही है ये पहले मैंने डिक्शनरी में ऐड कर रखा है दोस्तों, वरना आपके कंप्यूटर में हो सकता है इनके नीचे भी रेड लाइन आ रही हो, सर ये स्पेलिंग हम तो हमें ज्ञाता है हमारे, तो कोई स्पेलिंग एरर नहीं आनी चाहिए, कोई बात नहीं है स्पेलिंग एरर नहीं आनी चाहिए, तो परेशान ना हो, सेट लैंग्वेज के ऊपर क्लिक करना दोस्तों, डू नॉट चेक स्पेलिंग एंड ग्रामरिंग के ऊपर क्लिक कर देना और इसको ओके कर देना। अच्छा सर इसे क्या होगा, गुजरात लिखा नहीं आया, इंडिया लिखा नहीं आया, गोवा लिखा नहीं है, कुछ भी लिखो, गलत लिखो सही लिखो, इसको कोई लेना देना नहीं रहा, क्यों, क्योंकि उस ऑप्शन को आपने क्या कर दिया दोस्तों, बंद कर दिया, कहां से, सेट लैंग्वेज में से, डू नॉट चेक स्पेलिंग एंड ग्रामरिंग को अगर आप टिक रखते हो तो ये चेक करना ही बंद कर देता है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, थैंक यू, धन्यवाद।